हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं 18 और 19 दिसंबर के करंट अफेयर। और सबसे पहले करेंगे रिवीजन। 17 दिसंबर को हमने ये पढ़ा था कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है और यह योजना 2021 से लेकर 2026 तक चलेगी, यानी कि अगले 5 साल तक। महिला टेनिस एसोसिएशन ने किसे साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया है, तो ये हैं, ब्रिटेन की रहने वाली हैं ये, और एमा रोदुकोनू इनका नाम है। किस बैंक ने MEITY यानी कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2 DigiDhan पुरस्कार जीते हैं, तो ये बैंक है कर्नाटका बैंक। और हाल ही में किस शहर ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अभी हाल ही में आपको याद होगा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रधानमंत्री मोदी ने लोकार्पण किया था, कहाँ पर किया था, तो वाराणसी में किया था। और किस देश ने हाल ही में अपनी नई जीरो कोविड पॉलिसी को लागू किया है, इसका उत्तर हो जाएगा हांगकांग। वाटर सेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट नामक जो किताब आई है, इसको लिखा गया है मृदुला रमेश के द्वारा। हाल ही में किस देश ने आयर्स रॉक नाम से जानी जाने वाली विशाल लाल आकस्मिक यानी कि मोनोलिथ उलूरू चट्टान को ट्रैकिंग के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, यानी कि अब इस पर कोई भी चढ़ाई नहीं कर सकेगा। और ये चट्टान कहाँ पर स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। हाल ही में किसने ओडिशा तट से दूर अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल अरिस्टेड टारपीडो सिस्टम SM-80 को लॉन्च किया है DRDO ने। और हाल ही में देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। केंद्र सरकार ने केन और बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस परियोजना पर कुल कितना खर्च आएगा, 44,605 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये थे प्रीवियस करंट अफेयर, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित होने जा रहा मिस वर्ल्ड 2021 पेंजेंट COVID-19 की वजह से टाल दिया गया, इसका आयोजन कहाँ पर होने जा रहा था दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्यूर्टो रिको में इसका आयोजन होना था। देखिए फ्रेंड्स, भारत की मानसा वाराणसी समेत कई प्रतियोगियों को COVID-19 टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद फिनाले से महज कुछ घंटे पहले प्यूर्टो रिको में आयोजित होने वाला मिस वर्ल्ड 2021 पेंजेंट को टाल दिया गया। इसका आयोजन अब अगले 90 दिनों के अंदर प्यूर्टो रिको कोलेजियम जोस मिगवेल एग्रेलॉट में किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये भी जानना चाहिए कि हाल ही में भारत की हरनाज कौर संधु मिस यूनिवर्स 2021 चुनी गई थी और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था इसराइल के इलियट में। 23 साल की मानसा वाराणसी फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत चुकी हैं और इनका संबंध वाराणसी से नहीं है, तेलंगाना से है, ये भी याद रखना। मानसा वाराणसी पेशे से फाइनेंशियल एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एनालिस्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर आपको थोड़ा सा लोकेशन देखना चाहेंगे प्यूर्टो रिको का। प्यूर्टो रिको, अब देखिए ये है हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये भारत है, ये है USA और ये है प्यूर्टो रिको, ठीक है। प्यूर्टो रिको एक छोटा सा जो है द्वीप कह सकते हैं आप इसे, और यहाँ पर आप इसके जो है उत्तर में अटलांटिक ओशियन है, कैरेबियन सी है दक्षिण में, तो इस प्रकार से इसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नए CDS की नियुक्ति तक तीनों सेनाओं के बीच समन्वय के लिए चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की पुरानी व्यवस्था लागू की गई है और इसके अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया है किसको, MM नरवणे जी को। ऑप्शन बी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे को चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। CDS जनरल बिपिन रावत का 8 दिसंबर को तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है और वर्तमान थलसेना अध्यक्ष कौन है, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। वायुसेना प्रमुख कौन है, मार्शल VR चौधरी विवेक राम चौधरी। और नौसेना प्रमुख कौन है, एडमिरल RHRIKUMAR। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है नगदक पेलगी खोरलो से सम्मानित करने का ऐलान किया है, तो यह देश है भूटान, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, भूटान ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलगी खोरलो से सम्मानित करने की बात कही है। भूटान के PM लोताय शेरिंग ने कहा है कि इस संबंध में
भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल बांगचुक ने पिछले वर्ष महामारी के समय प्रधानमंत्री मोदी की निस्वार्थ मित्रता और समर्थन का उल्लेख किया है। भारत भूटान का सबसे बड़ा ट्रेड और डेवलपमेंट पार्टनर भी है, ये भी याद रखना। और भूटान में 1020 मेगावाट का ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पारो एयरपोर्ट और भूटान ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन आदि भारतीय सहायता से बनाए जा रहे हैं। ये भी याद रखना कि भारत और भूटान के बीच मुक्त व्यापार व्यवस्था लागू है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, ये जो मखाना है इसे बिहार मखाना कहा जाता था, अब इसका नाम कर दिया गया है मिथिला मखाना। डेफिनेटली ये बिहार से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो हाल ही में बिहार के शाही लीची, सिलाव खाजा, मगही पान, कतरनी चावल, मधुबनी पेंटिंग आदि को GI टैग दिया गया और इसके बाद अब मिथिला मखाना को भी GI टैग प्रदान कर दिया गया है। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में जो है 13वां स्थान है। गवर्नर हैं फागू चौहान, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के जो लोकनृत्य कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनमें विदेशिया, जाट जाटिन, झूमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, फगुआ, पानिकी, बिरहा, सोहर आदि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में बताई जा रही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी यानी कि महाराष्ट्र। तो श्रम और रोजगार मंत्री रामेश्वर तेली ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना रिपोर्ट को जारी किया है। रोजगार पैदा करने के लिए कोविड महामारी के दौरान यह योजना स्टार्ट की गई थी और महाराष्ट्र के बाद गुजरात और फिर कर्नाटक का स्थान इसमें आ रहा है। महाराष्ट्र के CM कौन हैं? उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के जो न्यायाधीश हैं वो हैं दीपांकर दत्ता। भारत के किस राज्य की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पश्चिम बंगाल। यूनेस्को के बारे में बात करें तो यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस फ्रांस में। प्रेसिडेंट कौन है? आंद्रे अजोले हैं। आगे बढ़ते हैं, माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माँ उमिया धाम विकास परियोजना। दोस्तों इसका संबंध है गुजरात से, यानी कि विकल्प सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। और आपको बता दें कि 11 दिसंबर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के 16 में उमिया परिसर में उमिया माता मंदिर के साथ साथ इसके परिसर की भी स्थापना यानी कि आधारशिला रखी है स्थापना के लिए। उमिया माता मंदिर देवी उमिया का मंदिर है जिन्हें कदो पाटीदारों की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर गुजरात के मेहसाणा जिले में ऊझा के केंद्र में स्थित है। 2013 में जॉर्जिया के मैकॉन में कदवा पाटीदार समाज द्वारा एक उमिया माता मंदिर भी बनाया गया था। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि 2013 में भारत के बाहर किस देश में एक उमिया माता का मंदिर बनाया गया था? तो इसका उत्तर जाएगा जॉर्जिया के मैकॉन में। आगे बढ़ते हैं, किस IIT ने स्वदेशीकरण के प्रयास तेज करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर हो जाएगा विकल्प ए यानी कि IIT दिल्ली। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली भारतीय वायुसेना के लिए स्वदेशी उपकरण तैयार करेगा। संस्थान वायुसेना के अत्याधुनिक अधिकारों के रखरखाव के लिए स्वदेशी जो समाधान है वो भी विकसित करेगा। इसके लिए भारतीय वायुसेना और IIT दिल्ली ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना के मेंटेनेंस कमांड के बेस रिपेयर डिपो यानी कि BRDO के रखरखाव के प्रयासों आत्मनिर्भरता स्वदेशीकरण में इसे तेजी आएगी। इससे पहले IIT दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के साथ भी समझौता हुआ था जिसके तहत IIT दिल्ली का ज्वाइंट एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर भारतीय सशस्त्र बलों को भविष्य की उन्नत तकनीक उपलब्ध कराने के लिए शोध कर रहा है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, बात करते हैं भारतीय वायुसेना के बारे में। स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। वायुसेना दिवस होता है 8 अक्टूबर को। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में। वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी और वायुसेना उपप्रमुख हैं संदीप सिंह। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट हैं शिवांगी सिंह जो कि वाराणसी से हैं। वायुसेना की पहली फाइटर पायलट हैं भावना कंठ। याद रखिएगा ये पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट हैं जिनका नाम भावना कंठ है, जबकि वायुसेना की पहली महिला पायलट थी हरिता कौर देओल जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ओडिशा सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? और इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यूएनसीटीडीएफ, यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड। स्थापना हुई 1966, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। सूर्य को छूने वाली दुनिया की पहले अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब को किसने तैयार किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स, एग्जाम में जरूर आएगा ये। सूर्य को छूने वाली दुनिया की पहले अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब को तैयार किया गया है नासा के द्वारा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। इतिहास में पहली बार किसी अंतरिक्ष यान ने सूर्य की कोरोना को छुआ है, जिसका वातावरण करीब 20 लाख डिग्री फारेनहाइट रहता है। इसे सोलर साइंस और स्पेस साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। 28 अप्रैल को पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के कोरोना को छुआ और सूर्य के कणों को इकट्ठा किया है। पार्कर सोलर प्रोब अप्रैल में सूरज के पास से अपनी 8वीं यात्रा के दौरान गुजरा था। ये चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, 14.33 करोड़ किलोमीटर, और ये है पार्कर सोलर प्रोब। और 2021 में सूर्य से 1.30 करोड़ किलोमीटर वायुमंडल में पहला प्रवेश हुआ। दिसंबर 2021 में सूर्य से 78.6 लाख किलोमीटर अब तक सूर्य के सबसे करीब पहुंच चुका था। 2025 में लक्ष्य है सूर्य से 61.63 लाख किलोमीटर, इतने करीब जाने का लक्ष्य इसका रखा गया है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि एक समय तक असंभव मानी जाने वाली यह उपलब्धि अंतरिक्ष यान ने 8 महीने पहले यानी कि अप्रैल में हासिल कर ली थी, लेकिन अंतरिक्ष में करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस यान से जानकारी पहुंचने और इसके बाद जानकारी का विश्लेषण करने में वैज्ञानिकों को लंबा समय लग गया। नासा ने अपना पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया था। यह नासा के लिविंग विद अ स्टार कार्यक्रम का एक हिस्सा है, लिविंग विद ए स्टार, जिसके जरिए एजेंसी ने सूर्य और पृथ्वी के बीच के सिस्टम के अलग अलग पहलुओं को समझने और इससे जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है। सोलर प्रोब की इस उपलब्धि को बताने वाली एक चिट्ठी फिजिकल रिव्यू लेटर नाम से जर्नल में प्रकाशित हुई है। इसमें एयरक्राफ्ट को इंजीनियरिंग का बेहद खास नमूना करार दिया गया है। अगला क्वेश्चन होगा कि त्रिभाषी भूमि पासबुक जो कि हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में होगी, किस राज्य की सरकार जारी कर रही है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जम्मू और कश्मीर में 3 भाषा में भूमि पासबुक जारी होगा। यह हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में रहेगा। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत राजस्व विभाग ने बड़े पैमाने पर स्कैन किया है और जांच के लिए उन्हें अपनी जमीन अपनी निगरानी के तहत पब्लिक डोमेन में डाला है। तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत राजस्व विभाग ने बहुत बड़ी संख्या में ये जो लैंड्स के रिकॉर्ड हैं उनको स्कैन किया है। जम्मू कश्मीर का नया राजकीय पक्षी घोषित किया गया है, कलिज फेसेंट। ये जम्मू कश्मीर का नया राजकीय पक्षी है। जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तली हैं। भांड, डमहल, कुद, बच्चा नगमा, रूफ, हाफिजा, वोगी नचुन, ये जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से सलीम अली, दाचीगाम और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख हैं। और प्रमुख दर्रे हैं बुरजिल, बनिहाल, जोजिला आदि। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? और इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन, जहाँ दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 15 दिसंबर को। हालांकि दुनिया भर में चाय उत्पादक देश हैं 2005 से 15 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते रहे हैं, क्योंकि तब तक इसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता प्रदान नहीं की गई थी। इसे लेकर भारत सरकार ने बड़ी पहल की। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया और 21 दिसंबर 2019 को एक संकल्प प्रस्ताव पारित किया गया और 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया गया, यानी कि 15 दिसंबर से इसको शिफ्ट किया गया 21 मई को। ठीक है, 21 मई हो गया अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। तो याद रखना कि भारत चाय उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है, लेकिन उपभोग के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है। बात करते हैं दिसंबर के प्रमुख दिवस के बारे में, एक रिवीजन कर लेते हैं। 1 दिसंबर को मनाया गया था विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस, 5 दिसंबर को 2 महत्वपूर्ण दिवस थे, विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस। 7 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय सशस्त्र बल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस,
11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और 12 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी हाँ दोस्तों, पणजी, ठीक है, गोवा के पणजी में। तो केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पणजी गोवा में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसकी थीम है आज़ादी का अमृत महोत्सव, एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मकता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न मनाना। इसका उद्देश्य है लोगों को नवाचारों के प्रति जागरूक करना और सस्ती तकनीकी का विकास करना, ताकि आम लोगों के जीवन में भी ये टेक्नोलॉजी शामिल हो सके। अगला क्वेश्चन होगा, निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, माल्टा। तो देखिए फ्रेंड्स, माल्टा ने 18 वर्ष और अधिक उम्र के लोगों को 7 ग्राम तक भांग रखने की अनुमति प्रदान कर दी है। घर पर भी वो अपने 4 पौधे भांग के उगा सकते हैं। माल्टा की राजधानी वैलेटा है और राष्ट्रपति कौन है, जॉर्ज वेला। अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय कौन सी है, तो ये चाय है मनोहारी गोल्ड टी। देखिए फ्रेंड्स, लक्ष्य रखा गया था कि 10 किलोग्राम चाय का उत्पादन इसमें किया जाएगा, इस मनोहारी गोल्ड टी का, लेकिन ये 2.5 केजी तक ही पहुंच सका। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो चाय है ये चांदी से 1.5 गुना महंगी है। असम की एक दुर्लभ किस्म की चाय है और इसे उगाने में पूरी तरह से मैनुअल तरीके से इसे उगाया जाता है। किसी भी मशीन का, किसी भी खाद का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। और आपको बता दें कि MCX पर 17 दिसंबर को चांदी 61,729 रुपये किलो पर कारोबार कर रही थी। उसी समय एक नीलामी हुई थी इस चाय की, जिसमें 99,999 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड बिक्री पर यह चाय बिकी है। तो बहुत ही मतलब दुर्लभ तरीके की चाय है और निश्चित रूप से यह एक ऐसी चाय होगी जिसका टेस्ट सभी लेना चाहेंगे, लेकिन यह चाय इतनी सस्ती नहीं है कि सभी इसे पी सकें। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। आज्ञा दीजिए, जय हिंद, जय भारत।